एक बार फिर गाजीपुर जिले में शनिवार को कोरोना संक्रमण के नए मरीज पाए गए हैं। राहत की बात यह है कि शुक्रवार की तरह शनिवार को भी आंकड़ा कम रहा, केवल 2 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। गुरुवार को यह आंकड़ा 11 था। जिले में कोरोना के ये नए मरीज मिलने से कुल मरीजों की संख्या 75 हो गई है। इस हिसाब से एक्टिव मरीजों की संख्या 68 हो गई है। गाजीपुर में मिले दोनों मरीज डोमेस्टिक ट्रैवल की कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी कि ये भी प्रवासी लोग ही हैं। एक मरीज पारा अगगपुर बिरनो मनिहारी के हैं तो दूसरे मरीज रेवारिया दुल्लापुर जखनिया गाजीपुर के हैं। सीएमओ जीसी मौर्या ने बताया कि इन दोनों पॉजिटिव मरीजों को मोहम्मदाबाद सीएचसी में भर्ती किया जा रहा है। आपको बता दें कि बनारस और जौनपुर के कोविड अस्पतालों के भरने के बाद अब गाजीपुर के मरीज सीएचसी मोहम्मदाबाद में बने 30 बेड के कोविड 19 लेवल 1 वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। अब जबकि गाजीपुर में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, तो आपको खुद का ख्याल रखना और अनिवार्य हो गया है। अगर कहीं भी किसी को कोविड से संबंधित लक्षण प्रतीत होते हैं तो वे तत्काल सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी जांच कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यदि जांच में संक्रमण पाया जाता है तो उपचार की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। कोरोना संक्रमण से फैलता है और किसी को भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उनके प्रति किसी प्रकार की कोई दुर्भावना न रखें, बल्कि उन्हें अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करें। यदि किसी को कोई लक्षण जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो सरकार में हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर कॉल कर विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी के निर्देश पर पुलिस ने पूरे प्रदेश में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई है। ऐसे में लॉकडाउन का पालन कर आप भी अपना कर्तव्य निभाएं। और गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।